हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन 3 कंप्लीट करा दिया था और उसके जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट करा दिए थे और उन्हें हमने होम टास्क में दिया था और हम साथ के साथ फोर्थ लेसन भी स्टार्ट कर दिया था जो कि हमने आपको रात वहीं बिताई। ये एक पत्र अपने दोस्त को लिखा जा रहा है, उसमें इस चीज़ का विवरण किया जा रहा है कि वह लक्ष्मी कश्मीर गए थे, उसमें उन्होंने क्या देखा और कहाँ कहाँ वह घूमने गए। अब हम देखते हैं कि यात्रियों को यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है, खाने पीने की चीज़ें और किराए पर मकान भी। अगले दिन प्रातः 7 बजे हमने फिर यात्रा आरंभ की और मार्ग के छोटे छोटे गाँवों के पास से गुजरती हुई 12 बजे बनी हाल गांव पहुंचे गए। ये कह रहा है कि जहाँ पे वो रात को रुके थे, जहाँ उन्होंने रात बिताई थी, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा मिल जाती थी, खाने पीने की भी चीज़ें मिलती थी और किराए पर कमरा भी मिलता था। अगले दिन उन्होंने सुबह 7 बजे वापस यात्रा स्टार्ट करी, मतलब शुरू करी और जब मार्ग में छोटे छोटे गाँव से के पास से गुजरती हुई जब मार्ग में छोटे छोटे कस्बों या गाँव के बीचों में गुजरती हुई 12 बजे बनिहाल गांव पहुंच गए। पीर पंचाल की चोटी बनिहाल से लगभग 2000 मीटर ऊंची है। बलखाती और इटलाती हुई सड़कों के द्वारा बस हम चोटी पर पहुंचे कि जो बलखाती और सड़क के द्वारा बस से हम चोटी पर पहुंच गए। यहां से उतराई शुरू हुई। प्रमुख मार्ग से थोड़ा हटकर बेरीनाग नामक झरना है। कहते हैं कि यहाँ से झेलम नदी निकलती है उसका आनंद लेकर हम शाम के 6 बजे श्रीनगर पहुँच गए कि उस नदी का हमने आनंद लिया। उस नदी के आनंद लेने के बाद में हम शाम को 6 बजे श्रीनगर पहुँच गए थे। आगे देखिए कि श्रीनगर झेलम के दोनों ओर बसा हुआ था। जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के दोनों ओर बसा हुआ था। यह बहुत ही सुंदर नगर है विशेषकर इसका नया बसा हुआ भाग जो बहुत खुला और अच्छा बना हुआ है। वह बहुत तो खुला और अच्छा बना हुआ है। हमने श्रीनगर के सुंदर कई स्थान देखे हैं जिसमें शालीमार बाग, शाही चश्मा और निशांत बाग आदि प्रमुख है कि हमने इसके कई सुंदर स्थान देखे हैं जहाँ पर जिसमें शालीमार बाग, शाही चश्मा और निशांत बाग आदि प्रमुख हैं। आज तक का चैप्टर हमने आपको यहाँ तक रीड करा दिया। आप सभी बच्चों को यहाँ तक रीड करना है और साथ के साथ आपको जो अब तक के जितने चैप्टर हो चुके 1, 2, 3 हो चुके हैं अपने, और उनके सभी के क्वेश्चन आंसर और जितना भी होम टास्क आपका अनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लीजिए और साथ के साथ लर्न कर लीजिए। आगे की वीडियो में नेक्स्ट आगे रीड करेंगे हम। धन्यवाद।